हाँ क्यों नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग रैखिक प्रश्नावली में 6.2 प्रश्नावली के परिचय और उदाहरण हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बेसिकली यही प्रश्नावली है जिसके बारे में मैं लास्ट एक दो लेक्चर से बात कर रहा था कि भाई ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं प्रश्नावली जो कक्षा 12 में मिलेगी आपको पढ़ने को, वो यहाँ से एज इट इज कॉपी पेस्ट है। तो वो 6.2 प्रश्नावली के लिए बेसिकली कह रहा था मैं, तो 6.2 अच्छे से करेंगे तो आप लोगों को आगे की प्रश्नावली, एक तो छठी में ही, आगे भी 6.3 भी अच्छे समझ में आ जाएगी, और साथ में जो कक्षा 12 में 12वीं प्रश्नावली है वो भी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसलिए ढंग से करना है, बहुत ईजी है, मतलब है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। आप लोगों को लगेगा क्या है इतना ईजी है, तो स्टार्ट करेंगे। कौन कौन आ गए हैं उपस्थित गण एक बार देख लेते हैं। अरुण हेलो बेटा, चित्रा नागर, उषा, एस सी माहेश्वरी, ब्लैक शेडो, वैष्णवी, ज्योति, अंकित और उषा, और कौन है, दीपांशु, दीपांशु एंड अंजलि, अंजलि एंड गोविंद मोरे, और अंकित, दीपांशु हो गया, अरुण हो गया, और हसीम, अनु, खुशी, उषा, श्री प्रकाश, ठीक है, मुस्कान, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। और ये मेरी चैट एकदम से बंद हो जाती है, पता नहीं क्यों आजकल। और कौन कौन आ गए हैं, लर्न एंड शेयर फैंस, सेजल शर्मा, रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं, चलो बढ़िया। हर्ष गेमिंग, हरिओम, हरिओम बड़े दिनों बाद दिखाई दिया मुझे, क्या चक्कर है। पप्पू सिन्हा, अनुज, हर्ष, अमन, हेमू, सचिन कुमार, ज्योति गुप्ता, आनंद भारद्वाज, स्वदेश, पिंटू, 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 विकास, विकास तो कल नहीं आया था ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, खुशबू। चलिए हम लोग शुरू करें अब अपनी क्लास को, काफ़ी बच्चे आ गए हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। गुलशन, मानसी, विनीत और अभिषेक यादव, मनीष, संदीप, प्रियांशु, बाबू, चलिए शुरू कर रहे हैं अब। बाकी लोगों की अटेंडेंस धीरे धीरे बीच बीच में लेते रहेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो आप लोग बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सभी बच्चे, क्योंकि वहां पर सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे। और आप लोग ये दोनों फोन नंबर भी नोट कर लो, सेव कर लो अपने मोबाइल में लर्न एंड शेयर के नाम से। उसके अलावा ये दो आपके पास में फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस भी हैं अपने पास में, उनके लिंक, सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हैं सारे के सारे पेजेस को। उसके अलावा लास्ट 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 बट नॉट लीस्ट, लर्न एंड शेयर की जो एप्लीकेशन है वो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर हर संडे को फ्री टेस्ट होता है आप लोगों का और उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जाता है, और वो टेस्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है, जिस फॉर्मेट में मोस्ट ऑफ द पेपर्स अब होने वाले हैं इस साल, तो स्पेशली ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पेपर्स होने वाले हैं बहुत सारे बोर्ड्स में, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही पेपर आपका लिया जाता है, यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है हर संडे को। तो ये आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें और इसमें टेस्ट जरूर दें। और उसके अलावा भी हर संडे को फिजिक्स की और केमिस्ट्री की लाइव डाउट सॉल्विंग क्लास यहाँ पर होती है, पिछले कुछ संडे से स्टार्ट हुई है और अब रेगुलर होगी। तो उसके लिए भी कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, ये आप लोग इन दो नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि वो लाइव डाउट क्लासेस में कैसे ज्वाइन करना है। और उसके अलावा नोट्स वगैरह भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो सारी पीडीएफ वगैरह भी यहीं पर डाली जाती है, ठीक है, सिस्टमेटिकली, एकदम सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज डाली जाती है। सो आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सा है, दो चर राशियों के रैखिक असमीकरणों का आलेखीय हल, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। ये हमें जानना है क्या होता है ग्राफीय हल, मतलब ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, नाम ही ग्राफीय हल है, नाम ही आपका आलेखीय हल है, तो आलेख तो बनाना पड़ेगा ना अपने को, तो ग्राफ बनाना है मिला जुला करके। दसवीं कक्षा क्या नवीं कक्षा से बनाते हुए आ रहे हो आप लोग ग्राफ, वो वाले ग्राफ बनाने हैं यहाँ पर, एक छोटा सा बस वेरिएशन है, लास्ट में एक छोटा सा काम एक्स्ट्रा करना है,
बाकी सारा काम वही है जो नवी से करते आ रहे हो आप लोग, कुछ भी नया नहीं है इसमें। बहुत आसान प्रश्नावली है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, एक दो पहले इसको पढ़ लेते हैं। दो चर राशियों के, दो चर राशियों की बात चल रही है, तीन की बात नहीं चल रही है। दो से कम एक चर राशि के भी हम लोग फिर भी निकाल लेंगे भले ही, लेकिन दो से ज्यादा चर राशियों के नहीं निकालेंगे। रैखिक असमीकरण, रैखिक का मतलब मैंने आपको बताया था, रैखिक का मतलब है जो चर होंगे, x और y मोस्टली चर होते हैं, x अक्ष y अक्ष पे, तो जो चर आपको दिखेंगे उन चर की घातें अधिकतम एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए, उसको रैखिक बोलते हैं। एक घात वाला जो होता है उसको रैखिक बोला जाता है। तो किस तरह के होंगे रैखिक असमीकरण, इस तरह की, जैसे 2x plus 3y is less than 8, 9x minus y is greater than equal to 5, 3 is greater than equal to x plus y, या x is greater than equal to 4y, या फिर x minus y is less than or equal to 0, या फिर 3 minus y minus x is greater than 5, कुछ भी इस तरह की जो भी होती है ना x और y में, वो भी एक एक घात के साथ में, ये जो भी होंगी ये दो चर राशियों के रैखिक असमीकरण हैं। ये दो चर राशियों के रैखिक असमीकरण हैं, सारी की सारी दो चर राशियां दिख रही हैं अपने को, x है y है, सब जगह दो ही हैं, दो से ज्यादा तो ली नहीं है मैंने। तो क्या है ये, ये हैं दो चर राशियों की रैखिक असमीकरण, ये हैं ये, ठीक है। अब इनके बारे में हम लोग ग्राफ से स्टडी करेंगे कि ग्राफ इनके कैसे बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैं एक एक स्टेप स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ पहले, मैं एकदम बेसिक जो तीन चार तरह के ग्राफ है वो बनाएंगे, उसके बाद धीरे 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 एक एक लेवल ऊपर चलते जाएंगे हम लोग। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए भाई सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल इस तरह का कि मान लो अगर आपके पास आ जाए एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, इसका बनाओ ग्राफ साहब, या फिर मान लो आपके पास आ जाए वाई इज लेस देन और लेस देन माइनस 2, या फिर मान लो आ जाए एक्स इज लेस देन 1, ऐसा कुछ ये आ जाए, या 0 आ जाए, 0 भी आ सकता है, एक्स इज लेस देन 0 भी आ सकता है, कुछ भी इस तरह का कुछ आ जाए, तो कैसे बनाओगे जिसमें सिर्फ एक ही चर है, दो है ही नहीं, एक ही है मान लो, फिर भी असमीकरणें बन रही हैं, लेस देन ग्रेटर देन के साइन हैं, तो कैसे उनको हल किया जाता है, ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सिंपल ग्राफ बनाना होता है x बराबर 4 का, आप तो x बराबर 4 का ग्राफ बना दो, x बराबर 4 का, ऐसे यहाँ पर आप y बराबर माइनस के 2 का ग्राफ बना दो, और यहाँ पर x बराबर 0 का ग्राफ बना दो, उसके आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, पहले इतना काम हो जाए, ठीक है। तो इतना काम करने के लिए मैं एक बार इसको तो पहले हटा रहा हूँ, इतना काम करने के लिए क्या करना है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो x बराबर 4 का ग्राफ, x बराबर 4 का ग्राफ बचपन से सीखते आ रहे हो बच्चों, ये ग्राफ तो बहुत छोटे छोटे ग्राफ है, इसमें तो कहीं किसी को दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तीन यहां पर ग्राफ मैं बना रहा हूं, है ना, एक बनाऊंगा मैं x बराबर 4, तो यहां है 1, यहां है 2, यहां है 3, यहां है 4, x बराबर 4 लाइन यूं सीधी लाइन जाएगी, और इसका नामकरण आप करोगे x इज इक्वल टू 4। ये x अक्ष है हमारे पास, ये हमारे पास y अक्ष है, ये है 0, ये 1, 2, 3 और ये 4, तो ये x बराबर 4 लाइन है, जो x x अक्ष पे x का मान 4 जहां दिख रहा है उससे जाती हुई लाइन है, सीधी सी बात है, है ना। असमीकरण का मतलब क्या होता है, x बराबर 4 तो नहीं बनानी थी हमें, तो बनानी थी x बड़ा या बराबर है 4 से, बराबर 4 से मतलब नहीं है, बड़ा या बराबर होना चाहिए 4 से, तो 4 से बड़ा या बराबर। देखो असमीकरण का मतलब ये होता है कि जो भी आपने सरल रेखा बनाई है, जो भी आपने सरल रेखा बनाई है उसके दोनों में से किसी एक तरफ आंसर आएगा, मतलब या तो इस तरफ का आंसर आएगा या फिर इस तरफ का पूरा आंसर है, दो में से कोई एक आंसर पूरा होता है, या तो लेफ्ट साइड पूरा या राइट साइड पूरा, अगर टेढ़ी भी बन रही है ना ये, यूं कोई सरल रेखा बन रही है तो या तो इस साइड का पूरा आंसर है, ये एक पूरा क्षेत्र आता है, ये एक पूरा का पूरा क्षेत्रफल आता है, पूरा का पूरा क्षेत्र मिलेगा आपको, केवल एक रेखा नहीं मिलती, असमीकरण के आंसर में हमेशा पूरा क्षेत्र मिलेगा, बड़ा चौड़ा सा, एक सिंगल लाइन नहीं मिलेगी आपको, बहुत बड़ा क्षेत्र मिलता है। तो या तो इस तरफ का आंसर आएगा या फिर इस तरफ का आंसर आ सकता है, दो में से कोई एक आंसर होता है, ये बात तय है, 50-50% प्रोबेबिलिटी है सही आंसर निकालने की यहां पर।
तो दो में से कौन सा एक आंसर सही होता है, यहां तो ढूंढना बहुत आसान है इस वाले केस में, तो जो अभी अपन केस पढ़ रहे हैं उसमें तो केस में ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि x बड़ा या बराबर है 4 से, x 4 से बड़ा किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा ना, 4 से बड़ा यहां 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 9 10 आगे बढ़ते जाओ। तो हमारे काम का पोर्शन कौन सा आया, काम का पोर्शन हमारे आया ये वाला, ये पोर्शन हमारे काम का है, इसको हमने पेंसिल से शेडेड कर दिया, इसको बोलते हैं छायांकित करना। तो ये पोर्शन हमारे काम का है जिसको हमने छायांकित कर दिया है, ऐसे ही हम सब में छायांकित करते हुए चलेंगे जो भी पोर्शन हमारे काम का आ रहा होगा। तो ये हमारी वही सेम एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, वाई पे माइनस दो, वाई बराबर माइनस दो देखना है, वाई बराबर माइनस दो कहां दिख रहा है आप लोगों को, यहां तो जीरो दिख रहा है, यहां पर माइनस एक दिख रहा है, यहां पर माइनस दो दिख रहा है, तो वाई बराबर माइनस दो लाइन आएगी यहां पर, ये आ गई, ठीक है, वाई बराबर माइनस दो लाइन आ गई, इससे छोटा y इज लेस देन माइनस टू, लेस देन माइनस टू कहाँ आएगा भाई, यहाँ तो माइनस थ्री है, नीचे जाओगे माइनस फोर आएगा, माइनस वन तो माइनस टू से बड़ा हो जाता है, माइनस टू से भी छोटा जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा, तो हमारे काम का पोर्शन तो ये नीचे है, इस भाग को छायांकित करेंगे हम लोग, तो ये हमारे काम की चीज आई, ऊपर वाली हमारे काम की नहीं है, तो काम की चीज को छायांकित कर दिया हमने, तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा इसका ग्राफ है, तो ग्राफ में पूरा का पूरा क्षेत्र आएगा इस बार, ये बात ध्यान रखना है अपने को, ये कंफ्यूज नहीं होना कि एक सरल रेखा आनी चाहिए, सरल रेखा नहीं आएगी, असमीकाओं के ग्राफ में हमेशा पूरा का पूरा एक क्षेत्र आएगा, फिक्स है ये। अगर मैं इसकी बात करूं x इज लेस देन जीरो, तो सबसे पहले x बराबर जीरो की आप लाइन बनाओगे, तो ये तो जीरो पॉइंट होता ही है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, अब x बराबर जीरो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये वाली लाइन आएगी या ये वाली आएगी, होता है, तो इसको देखो x बराबर चार जब यूं आ रही है तो x बराबर जीरो यूं ही आएगी, तो x बराबर जीरो लाइन कौन सी आएगी, ये लाइन है x बराबर जीरो वाली लाइन, ये है x बराबर जीरो वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन x इज इक्वल टू जीरो भी है, और अगर मैं इसकी बात करूं यहां लिखना भूल गया था मैं, y इज इक्वल टू माइनस टू लाइन है ये, ठीक है, मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूं, और भी ये x इज इक्वल टू जीरो लाइन है हमारी, और x लेस देन है जीरो से, जीरो से छोटा है x, जीरो से बड़ा इधर होता है, इधर होता है वन टू थ्री, ये जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा इस तरफ होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो आंसर क्या आएगा, इस तरफ का पूरा क्षेत्र हमारा आंसर है, ये पूरा क्षेत्र हमारा छायांकित होगा, ये पूरा क्षेत्र हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से असमीकाओं के ग्राफ बनाए जाते हैं, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से मैंने ये ग्राफ बनाए हैं, फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताऊं, क्योंकि इससे एक लेवल ऊपर बढ़ने वाले हैं, मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड लूंगा, एक लेवल ऊपर बढ़कर के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो वो फिर तब ही समझ में आएंगे जब ये समझ में आ रहा है, ध्यान रखना, बताओ जरा जल्दी से बता दो मुझे। आकाश भी आ गया है, क्या बात है, माय फेवरेट सर, निखिल सर, एक्सीलेंट आकाश, बड़ा कमाल का और लंबा चौड़ा नाम है, मस्त, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। समृद्धि कहाँ गायब हो, दिखाई नहीं दे रहे कुछ दिनों से, कहाँ गायब हो रखे हो भाई, हैं, ये कह रही है गुरुदेव अभी तुरंत स्कूल से, अच्छा स्कूल से अभी आए हो, अच्छा 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 अच्छा, चलो ये स्कूल की तो बड़ी तकलीफ है यार, क्या करें, सोच रहे हैं ये बोर्ड अगर फ्री रहे तो शाम को शिफ्ट करें क्लासेस आपकी, ये बोर्ड फ्री नहीं रहता बेचारा, क्या करें, बड़ा समस्या हो रही है, मैं तो चाहता हूँ शाम को जाए क्लास तुम्हारी, तो ज़्यादा बच्चे आ पाएंगे सुबह की क्लास में या शाम की क्लास में, ये दिन की क्लास बीच में अटक जाती है, गड़बड़ हो जाता है, चलो कोई नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को होपफुली, प्रिया ने भी कहा ऑल क्लियर, वेरी गुड, विशाल हेलो बेटा, मॉर्निंग में 6 बजे मैं उठता नहीं हूँ यार, डेली क्लास लेट होगी तुम्हारी, दिन में ही क्लास तुम्हारी लेट हो रही है तो सुबह तो पक्का ही लेट होनी है, मान के चलो 6 बजे तो जान ले लो तुम मेरी, घर से यहाँ तक भी आना है मेरे को थोड़ा हाथ मुँह धो करके, स्कूल का पता नहीं यार फिर से बंद होंगे नहीं होंगे जो भी है ध्यान नहीं है मुझे, आपका नाम लेने के लिए आपका नाम पता भी तो आना चाहिए ना, बॉर्न टू सिंगिंग, ये क्या नाम है आपका, नाम तो बताओ प्रिंस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला और कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये तीन एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए हैं, ये बुक के एग्जांपल नहीं है, ये यूं ही चल रहे हैं रैंडम, इसलिए मैं कोई नंबर नहीं डाल रहा हूं इसमें ना, बुक के एग्जांपल्स नहीं है, बुक के एग्जांपल्स अलग हैं,
ये मैं पहले समझाने के लिए बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। अगर आपने ये वीडियो पूरा कर लिया तो सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन खुद कर दोगे आप लोग, मेरे को करवाने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं इस वाले क्लास में, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन खुद कर दोगे पक्का 100%, एक भी डाउट नहीं आएगा अगर आपने आज की क्लास लास्ट तक ले ली तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ मैं पहले, कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से एक एक लेवल ऊपर पढ़ेंगे। तो ये है 2x plus y is less than or equal to 4, मान लीजिए ये है, ठीक है। चलिए सो सबसे पहले तो आपको इस सरल रेखा का ग्राफ बनाना पड़ेगा। सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होगा कि भैया ये है 2x plus y बराबर में 4, ये है सरल रेखा। तो अब यहां पर आप इसका ग्राफ बनाने के लिए एक बार x बराबर 0 लोगे तो 0 plus y बराबर 4 और y का मान 4 आ जाएगा। एक बार y का मान 0 लोगे, दो पॉइंट्स लेते हैं ना हम लोग, वही कर रहा हूं मैं, y का मान 0 लोगे तो 2x बराबर में 4 और x का मान 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। तो y का मान और x का मान आ गया जब ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो फाइनल पॉइंट्स लिख लो आप। तो फाइनल पॉइंट्स क्या आएंगे, फाइनल पॉइंट्स आ गए हैं 0.4, ये है 0.4, ठीक है, और ये है 2.0, 2.0। बना दो जरा, आसान सा ग्राफ है, कोई खास टेंशन वाली बात तो है नहीं, बना सकते हैं आराम से अपन। पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले साइड में ले लेता हूँ मैं। ये 0 है, ये 1 है मान लो, ये 2 है, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या है, 0.4 कहाँ मिलेगा बच्चों, यहाँ मिलेगा 0.4 आपको, ठीक है, 0.4 यहाँ मिलेगा। और 2.0 कहाँ मिलेगा, 2.0 यहाँ मिलेगा, ये है 2.0। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो जो पॉइंट्स हैं उनके नामकरण तो करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई सोचने की बातें नहीं है। तो ये मिला भी देते हैं हम लोग एक बार इसको, यार ये सीधी लाइन नहीं बनती एक तो मेरे से, देखें कोशिश करते हैं अब तो मिल ही जाएगी। और ये यहाँ से भी मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, ये तो पॉइंट आया है 0.4 पॉइंट, और ये पॉइंट आया है 2.0 पॉइंट। तो ये हमारे पास एक सीधी लाइन आई है, और इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दो, 2x plus y बराबर 4। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, इस डिस्कशन को अगर आपने समझ लिए, मतलब इस डिस्कशन को आप अगर समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको ध्यान से समझ लो, बस पूरा ध्यान सामने होना चाहिए अब आप लोगों का, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अब ये मुद्दा है कि इस लाइन के इस तरफ का आंसर आएगा या इस तरफ का आंसर आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दो ही पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया हर असमीका में दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ। तो या तो इस तरफ का आंसर आएगा या इस तरफ का आएगा, कैसे पता करें कौन सा आंसर सही है भाई। ये होता है समीकरण में, ये होता है कि इस समीकरण को अगर ये बिंदु संतुष्ट कर रहा है, मान लो कि कोई ये समीकरण है x plus y बराबर में 5, और मैं चाह रहा हूं चेक करना कि 1.4 इस रेखा पर स्थित है क्या, 1.4 बिंदु इस रेखा पर स्थित है क्या, क्या करूंगा उसके लिए, मैं ये बिंदु इसमें रख दूंगा, 1 + 4 = 5। अगर ये बिंदु इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल सी बात है। तो सेम प्रोसेस यहां पर, हम इस तरफ के क्षेत्र को आंसर माने कि इस तरफ के क्षेत्र को आंसर माने, हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक तरफ के क्षेत्र में से, इस तरफ में से या उस तरफ में से, कोई एक बिंदु मर्जी से अपन अज्यूम कर लेंगे। जैसे मान लो सबसे अच्छा बिंदु क्या है, 0.0, इसको चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए 0.0 हम लोग यूज ले रहे हैं, तो 0.0 को हम लोग इस समीकरण में रख के देखेंगे कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 0.0 इसको संतुष्ट कर गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.0 की तरफ वाला ही आंसर है, तभी तो उसको संतुष्ट कर रहा है भाई। 0.0 की तरफ वाला ही क्षेत्र ये असमीका है, तभी तो 0.0 की तरफ वाले बिंदु उसको संतुष्ट कर रहे हैं। अगर 0.0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा होता, अगर मान लो एक बार के लिए कि 0.0 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर 0.0 की तरफ वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा, फिर
फिर दूसरी तरफ वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। 0.0 यहाँ रख के देखना जरा क्या आंसर आएगा। यहाँ पर रखें अगर अपन 0.0 तो क्या बनता है जरा देखते हैं एक बार। 0.0 अगर हम रखते हैं तो ये हो गया 0+0 इज लेस देन 4। इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है भले ही यहाँ पर। 0 इज लेस देन 4। 0 4 से छोटा होता है क्या? सही बात है, 4 से छोटा होता ही है 0, कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें। तो इसका मतलब यह है कि 0.0 सही आंसर है, मतलब 0.0 सही तरफ है, तभी तो 0.0 रखने पर यह संतुष्ट करा। तो अगर 0.0 रखने पर यह संतुष्ट कर रहा है तो 0.0 की तरफ वाला आप लोग आंसर ले लें, मतलब इसके इस तरफ वाला पोर्शन हमारा फाइनल आंसर है। इस रेखा के इस तरफ वाला पोर्शन हमारा फाइनल आंसर है। जरूरी नहीं है इस तरह की लाइंस आप लोग खींचे, आप डॉट 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 से भर सकते हो इसको पूरा यहां पर, वो भी चलेगा, और लाइंस खींच दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई भी एक पॉइंट रख सकते हो। 0.0 ही रखना है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है 0.0 रखो, आप कोई और पॉइंट रख लो। जैसे मैं ये वाला पॉइंट रख के देख लेता हूँ एक बार, ये कौन सा पॉइंट है? 1.0 है, सॉरी ये पॉइंट है 0.1, ये है 0.1। मैं ये पॉइंट एक बार रख के देख लेता हूँ, इसमें संतुष्ट कर रहा है क्या? 0.1 रख के देख लेता हूँ एक बार। 0.1 रखा तो 2×0.0+y मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो 1 इज लेस देन 4, ये भी सही बात है, सत्य वचन है भैया। तो इसका मतलब इस तरफ का आंसर सही लिखा हुआ है, यूं फर्जी नहीं लिखा हुआ। तो इस तरफ के सारे बिंदु इसको संतुष्ट करेंगे, बस इस रेखा पर स्थित बिंदु नहीं लेने, ध्यान रखना इस रेखा पर स्थित बिंदु नहीं लेने हैं, उसमें बराबर का निशान आ जाएगा। रेखा पर तो बराबर का निशान है ना, तो रेखा वाले बिंदु नहीं लेने, या तो इस रेखा के इस तरफ वाले बिंदु लेके चेक करो, या उस तरफ वाले बिंदु लेकर के चेक करो। उस तरफ वाले भी लेके चेक कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पॉइंट है, ये 3.0 है, जरूरी नहीं है अक्षों का ही ले, यहाँ वाला कोई ले लो, ये 4 और यहाँ 4, ये 4.4 पॉइंट है भाई। ये वाला पॉइंट है 4.4 पॉइंट हमारे पास में, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो भी काम किया है, ये कोई काम का काम नहीं है, अपने समझने के लिए था केवल। मान लो ये ले लेते हैं 3.3 ले लो यार, छोटा ले लो थोड़ा, 3.3 पॉइंट ले लेते हैं, चेक करते हैं इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, नहीं करना चाहिए अगर इधर का आंसर आ रहा है तो। चेक कर लेते हैं एक बार, 3.3 भी रख के देखें तो रखें कहाँ, जगह भी तो हो यार, ये बड़ी समस्या है जीवन में। यहाँ से यहाँ आ गए और यहाँ 3.3 रख करके देख लेना जरा बच्चे, 3.3 रखते हैं तो क्या बनेगा? 2×3+3 इज लेस देन 4, 3×2=6, 6×3=9, 9 छोटा होता है क्या 4 से? गलत बात आ गई, गलत बात तो करनी नहीं है, गलत बात आ रही है। तो इसका मतलब ये पॉइंट गलत आंसर दे रहा है, इसका मतलब इस तरफ का एरिया है ही नहीं, तो आंसर कहाँ से आएगा? संतुष्ट नहीं कर रहा, संतुष्ट तब करेगा जब इस तरफ का एरिया आंसर होगा। तो अगर संतुष्ट कर जाए तो उसी तरफ का आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखें, और अगर संतुष्ट ना करें तो उसके अपोजिट साइड वाला आंसर होता है। तो एक पॉइंट रख करके आप पता कर सकते हो कि किस तरफ का आंसर आ रहा है किसी भी रैखिक असमीका में। ये सिंपल सा तरीका है, इसमें सिंपल सा तरीका है, बेस्ट तरीका है बल्कि कहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी तो पूछ सकते हैं एक बार। और इसी तरह का मैं एक और एग्जांपल यहां पर लूंगा, उसके बाद ही आप लोगों को समझ में आएगा बेटर। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर आप लोगों के चैट्स उसके बाद में देखूंगा। ठीक है, फिर भी किसी को दिक्कत आ रही हो तो फिर पूछना, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। देखो, हमेशा मैं क्या करूंगा, मैं 0.0 ही संतुष्ट करने को रखूंगा। क्यों रखूंगा 0.0? क्योंकि 0.0 सबसे आसान पॉइंट है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। 0.0 रखा, सब खत्म, 0 ही हो गया, टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 0.0 ही रखूं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी आप चाहो तो कोई और पॉइंट रख सकते हो, जैसे मैंने ये रख के देखा, मैंने ये भी रख के देखा, मैंने ये रख के नहीं देखा, लेकिन रख के देखोगे तो भी आ जाएगा। तो मिला जुला करके उस रेखा पर स्थित बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु लेकर के आप चेक कर सकते हो। मैं 0.0 इसलिए लेता हूं क्योंकि 0.0 सबसे आसान पॉइंट है, कैलकुलेशन कम हो जाती है उससे। तो आगे से मैं 0.0 रख करके चेक करूंगा। नेक्स्ट वाला देखो, एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग इसी पैटर्न का, एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है भाई एग्जांपल? एग्जांपल है x-3y > 3, ये ले लेते हैं, x-3y > 3, चेक करते हैं क्या बनता है। ग्रेटर लेस से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने पास तो x-3y = 3 है, और इससे हम दो पॉइंट्स निकाल लेंगे।
एक बार तो हम लोग x का मान 0 रख देंगे और यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 3y बराबर में 3, और y का मान आ गया 3 बटे माइनस का 3 मतलब माइनस का 1। ठीक है, एक बार y बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे तो ये x माइनस 3 गुणा 0 बराबर में 3 और ये x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने एक बार x 0 रख करके y निकाल लिया, y 0 रख करके x निकाल लिया, दो पॉइंट्स हमारे सामने हाजिर हैं। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं मैं लिख देता हूं ताकि हम लोग उसको इजीली प्लॉट कर सकें। उसके बाद में पॉइंट्स हैं 0, -1, एक पॉइंट तो ये हमारे को दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 3, 0, एक पॉइंट ये हमको दिख रहा है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारे सामने हाजिर हैं। अब हमें क्या करना है, हमें बस इतना करना है कि इसको लेते हुए हमें ग्राफ बना लेने, साइड में यहाँ तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ले लेते हैं यहीं पर। ये बन रहा है इस टाइप का कुछ, यहाँ से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, 3 तक मैक्सिमम जाना है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सेम ऐसे ही -1, -2 और ये -3 हो गया, और नीचे भी -1, -2 और -3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 0, -1 कहाँ मिल रहा है अपने को, जहाँ भी मिल रहा है बना दो भाई, जो भी दिख रहा है आपको। 0, -1 दिखेगा यहाँ पर, ये है 0, -1 पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही 3, 0 पॉइंट, ये रहा, ये पॉइंट है 3, 0 पॉइंट। दोनों को अगर मिला दें तो ये सीधी लाइन बनाने की पूरी पूरी कोशिश है मेरी, इस बार तो शायद मैं कामयाब भी हुआ ही हूँ थोड़ा बहुत, तो ऐसी बात नहीं है, है ना। चलिए, तो अब ये लाइन है हमारी x माइनस 3y बराबर में 3। ठीक है, x माइनस 3y बराबर में 3, और इस लाइन के या तो ऊपर की तरफ वाला आंसर आएगा या फिर नीचे की तरफ वाला आंसर आएगा, दो में से कोई एक आंसर आएंगे। ठीक है, या तो ऊपर की साइड वाला है आंसर या फिर नीचे की साइड वाला आंसर है, दोनों में से कौन सा आंसर माना जाएगा वो हम लोग एक बार तय कर लेते हैं। कैसे तय करेंगे, हम लोग यहाँ 0, 0 रख के देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा पूरा का पूरा हमारे को। तो 0, 0 अगर हम लोग रख के देखें तो देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ रख के देखो 0, 0 इसलिए क्योंकि इस लाइन पे तो है नहीं 0, 0, तो इस लाइन पे जितने भी बिंदु हैं उनके अलावा कोई भी बिंदु रख सकते हैं, 0, 0 बेस्ट लगता ही है अपने को, तो इसलिए हम लोग 0, 0 रख के देख रहे हैं, संतुष्ट करेगा कि नहीं। रखो जरा 0, 0 मैं इसमें रख के देखता हूँ, तो ये हो जाएगा 0, -3 × 0 बड़ा है 3 से, 0 बड़ा है 3 से, सही बात है या गलत बात है, गलत बात आ रही है, इसका मतलब 0, 0 की तरफ वाला आंसर गलत है, तो सही कौन सा है, अपोजिट, ये ऊपर वाला गलत है, ऊपर वाला अगर गलत है तो नीचे वाला सही है, ये तो सिंपल सी बात है ना, ऊपर गलत तो नीचे सही, तो आंसर फाइनल क्या लिखा जाएगा, फाइनल आंसर है ये वाला, इस साइड वाला फाइनल हमारा आंसर आया, क्योंकि 0, 0 रखने पर गलत आ गया था, तो 0, 0 की तरफ वाला गलत हो गया तो दूसरी तरफ वाला सही हो गया अपने आप ही, दो ही तो ऑप्शन है, तीसरा तो ऑप्शन है ही नहीं कोई, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब आप आराम से देखो, और यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो अब आप लोग पूछ सकते हो, यहां तक कोई भी डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हो मुझे। इलेवेंथ का क्या कर रहे हो, इलेवेंथ मैथ क्लास मॉर्निंग में कर दीजिए, मॉर्निंग में करना बहुत मुश्किल है बेटा, मॉर्निंग में करना बहुत मुश्किल है यार। यहाँ तक समझ में आया गया ये बताओ मुझे, तो पहले बाद में करेंगे बाकी की बात तो अपन। अरे थैंक यू सियाराम मीणा, थैंक यू। चलो तो आगे बढ़े फिर अपन, आगे का और कुछ सीखना है अपने को एक और। एक और फॉर्मेट बचा हुआ है, यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाएंगे अपन, कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त नहीं होता है, तो एक फॉर्मेट और बचा हुआ है, उसके बाद जरूर कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जा सकती है, है ना। तो उदाहरण तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन वो फॉर्मेट पहले करना बहुत ज़रूरी है, और वो फॉर्मेट क्या है,
या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यार ऐसे ही शौक शौक में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक लास्ट मेरी तरफ से और ले लो, है ना। तो क्या लें एक्स प्लस वाई प्लस टू इज लेस देन जीरो, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही। तो इससे क्या समीकरण बनी, x प्लस वाई प्लस दो बराबर में जीरो, एक समीकरण तो ये बन रही है अपने को, और इस समीकरण का ही हमें फाइनल आंसर चाहिए। तो x बराबर जीरो हमारे को अगर यहाँ पर रखना पड़ेगा तो जीरो प्लस वाई प्लस दो बराबर में जीरो, और y का मान माइनस का दो, ये एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट y इज इक्वल टू जीरो रखने पर मिलेगा, जो कि आएगा x प्लस जीरो प्लस में दो बराबर में जीरो, और x का मान आ रहा है माइनस का दो यहां से। तो दो पॉइंट हमें यहां मिले, एक तो जीरो कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस टू एक पॉइंट तो ये मिल रहा है आराम आराम से, एक पॉइंट यहां से मिल रहा है माइनस टू कॉमा जीरो, माइनस टू कॉमा जीरो, दूसरा पॉइंट ये मिल रहा है अपने को बड़े आराम से। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं, फिर फाइनली अपने को क्लियर हो जाएगा कि इस तरह के जितने क्वेश्चन आ जाएं जिसमें एक्स और वाई दोनों इस तरह से दे रखे हैं क्या आंसर आता है। देखो जरा, दो तक जाना है माइनस में, तो जीरो, ये जीरो ले लिया, ये वन ले लो, ये टू ले लो, ये एक्स अक्ष है, ये वन ले लो, ये टू ले लो, ये वाई अक्ष है, ये माइनस वन ले लो, ये माइनस टू ले लो, ये माइनस एक्स अक्ष है, अगेन माइनस वन एंड माइनस टू, और ये माइनस वाई अक्ष है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे, जीरो कॉमा माइनस टू, जीरो कॉमा माइनस टू कहाँ मिलेगा, ये रहा जीरो कॉमा माइनस टू, सॉरी नीचे आएगा, ये है जीरो कॉमा माइनस टू, और माइनस टू कॉमा जीरो कहाँ मिलेगा, माइनस टू कॉमा जीरो यहाँ मिलेगा, दोनों हमारे सामने हाजिर है, बस अपने को तो जमाना है। ये लिखेंगे आप माइनस टू कॉमा जीरो, ये पॉइंट हो गया, और ये जीरो कॉमा माइनस टू पॉइंट हो गया, दोनों को मिला दीजिए। कोशिश सीधी लाइन बनाने की पूरी पूरी है मेरी, ये मिला दिया। अब इस लाइन के उधर का आंसर आएगा या इधर का आंसर आएगा पूरा का पूरा, ये एक मुद्दा है, और इस मुद्दे को हल करने के लिए ये पॉइंट हमेशा हाजिर रहता है आप लोगों के पास में। जीरो कॉमा जीरो रख के देखो, टेंशन क्या लेना है, टेंशन तो लेना ही नहीं है अपने को। तो जीरो कॉमा जीरो यहाँ रख के देखते हैं क्या बनता है भाई। जीरो कॉमा जीरो यहाँ रखा तो जीरो प्लस जीरो प्लस टू इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स टू इज लेस देन जीरो। टू जो है जीरो से छोटा होता है क्या कोई, गलत बात है, एकदम ही गलत बात हो गई, गलत बात हो गई। इसका मतलब जीरो जीरो वाला बिंदु गलत हो गया, ये पॉइंट जो जीरो कॉमा जीरो है वो गलत साबित हो गया। तो सही वाला पॉइंट कौन सा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है इस तरफ, वो सही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, किस वाले कलर से बनाऊं, इसी कलर से बना देता हूँ। इस तरफ वाला पोर्शन फाइनल सही आंसर है, इस तरफ वाला पोर्शन फाइनल आंसर है, जीरो जीरो वाला आंसर गलत साबित हो गया, तो दूसरी तरफ वाला सही है फिर। जीरो जीरो वाला गलत है तो दूसरी तरफ वाला सही है। इस तरफ का पूरा लास्ट तक जाता है, ये कोई लिमिट नहीं है इसकी, ये लास्ट तक जाता है ना, ऐसे निकाला जाता है। सो होपफुली मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एक खास पैटर्न और करवाने वाला हूँ, यहाँ पर एक खास पैटर्न और बचा हुआ है, वो एक खास पैटर्न और आ गया, तो उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उदाहरण में प्रश्न में सब खत्म हो जाएंगे एक ही बार में, कुछ नहीं दिमाग लगाना है ऐसा एक्स्ट्रा। विकास क्या कह रहा है, सर ये तो गजब ही कॉन्सेप्ट निकला सर, आप तो फिर से हमारी पढ़ाई में मौज ले आए। अच्छा पेपर में क्या क्या लिखना है, सब कुछ लिखना है पेपर में, ये मत लिखना पर, सब लिखना है पेपर में, पेपर में लिखने लायक है सारा, रफ में कुछ बताता ही नहीं हूं मोस्टली। चलो दो पॉइंट्स ले लो, तीन क्यों लेने फालतू, दो पॉइंट घने बहुत हैं, दो पॉइंट्स बीतते ही नहीं तुम्हारे को, दो की जगह लेने में तो 200 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जबरदस्ती मेहनत गधा मजदूरी क्यों करनी है अपने को, दो पॉइंट लेकर के काम चल रहा है, काम खत्म करेंगे दो पॉइंट लेकर के, गधा मजदूरी करनी नहीं है, गधा क्या करेगा फिर अपन गधा मजदूरी करेंगे तो, है ना। सो आगे के क्वेश्चन में माइनस एक्स लेना था तो पूरा क्षेत्र लिया जाता है, लेकिन उसके साथ वाई एक्स प्लस वाला भाग भी कवर हो जाता है, ये गलत हुआ क्या, नहीं ये गलत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भाग इधर का, कुछ भाग इधर का, कुछ भाग इधर का कवर होगा, उसमें कोई गलत नहीं है, टेंशन मत लो। वो तो एक लाइन सेपरेट कर रही है उसको, अक्ष सेपरेट नहीं कर रही, ये लाइन सेपरेट कर रही है भाग को, एक्स अक्ष वाई अक्ष से मतलब नहीं है, इस लाइन के
एक तरफ और दूसरी तरफ से मतलब है, लाइन का तो कोई अंत ही नहीं होता, लाइन तो इधर भी बहुत ऊपर तक जाएगी, इधर भी बहुत नीचे तक जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो गलत नहीं है, ठीक है। समृद्धि, होपफुली आपका आंसर, मतलब आपको आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चन का। परिधि, ओके 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 ओके, परिधि है आपका नाम, चलिए इतना प्यारा नाम है परिधि, तो बहुत अच्छा नाम है यार। तो और नाम आपने पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग टू सिंगिंग ऐसा कुछ करके, बॉर्न टू सिंगिंग, तो परिधि लिखो, इतना बढ़िया नाम है। सेजल क्या कह रही है, सेजल ने क्या कहा भाई, सर आप शायद सरकारी वाली बुक से करा रहे हो, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट भी नहीं है, सर किसी प्राइवेट बुक से कराइए, इससे हमें हर तरह के क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। अरे ये तो मैं अभी किसी भी बुक से नहीं करा रहा, ये तो मर्जी से करवा रहा हूँ मैं बुक के क्वेश्चन तो आप लोग होमवर्क में करोगे ये तो मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, केवल परिचय करा रहा हूँ मैं, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे खुद के, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल एक दमदार क्वेश्चन देखो। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है लेकिन दमदार क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे फंसते हैं इसमें, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से कैसे करना है, सबसे पहले तो x बराबर y, ये तो क्लियर ही है आपको, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कलर ज़्यादा अच्छा है, तो x बराबर y, ये तो इसमें क्या सोचना, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है, x बराबर y तो ठीक ही है। इसके बाद में आप सबसे पहले x बराबर 0 रख के देखो, 0 बराबर y, y भी 0 आ गया, तो पॉइंट क्या मिला हमारे को, 0.0 पॉइंट आ गया एक तो। दूसरा आप एक बार y 0 रख के देख लोगे तो वापस से x 0 आ जाएगा और पॉइंट 0.0 ही होगा, इसलिए ये रखने का कोई सेंस नहीं बनता, सेम पॉइंट रिपीट हो जाएगा, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को दो पॉइंट चाहिए, अलग अलग चाहिए, लेकिन दो ही चाहिए लेकिन अलग अलग तो चाहिए, तो इसलिए x 0 y 0 तो हो गया एक ही बार में। अब x का कोई और मान रख दो, x बराबर 1 रख दिया तो उससे 1 इज इक्वल टू y, y भी 1 आ गया, जो x रखोगे वही y आ जाएगा, तो 0.0 और 1.1, ये हमारे पास दो पॉइंट्स नजर आए हैं अपने को। इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम लोग आराम से ग्राफ बना सकते हैं, बड़ा आराम से आसान सा ग्राफ बनता है इसका, ये हो गया पॉइंट 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई। अब देखो जरा पॉइंट्स, 0.0 तो सबको पता है दुनिया में, सारे क्वेश्चन में ये तो बड़ा काम आया अभी तक अपने, और दूसरा है 1.1 मतलब x पे भी 1 दूरी चले, y पे भी 1, ये पॉइंट है 1.1, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या आंसर आएगा, ये दोनों को मिला दिया हमने तो ये सीधी लाइन आती है, एकदम सीधी लाइन, ये पॉइंट्स तो है 0.0 एंड 1.1। अब देखो, अब समस्या यहां पर मेन शुरू होती है, क्योंकि यहां पर अब कैसे चेक करें कि ऊपर का आंसर आएगा कि नीचे का आएगा, क्योंकि 0.0 से ये रेखा पास हो रही है, 0.0 से ये गुजर रही है, इसलिए यहां 0.0 नहीं रख सकते आप, गलती से 0.0 मत रख देना, प्रैक्टिस ज्यादातर बच्चों की ये रहती है कि सीधा उठा करके 0.0 यहां रखते हैं, 0 बड़ा या बराबर है 0 से, समझ ही नहीं आता कुछ भी, सेम पॉइंट्स नहीं रखने जो उस रेखा पर स्थित हैं, वो बिंदु कभी नहीं रखने, ये बात ध्यान रख लो, कोई और रख दो, हजारों लाखों बिंदु हैं वही रखने हैं जो रेखा पर हैं, कोई दूसरा रखो, दूसरा मतलब जैसे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 1.0, कोई भी रख सकते हो, यही नहीं इधर का कोई भी रख सकते हो, लेकिन ये आसान सा पॉइंट है ना, एकदम पास का देख लेंगे, ये पॉइंट है 1.0 एक बार रख के देखते हैं क्या आंसर आता है, उसके हिसाब से सोचेंगे, यहां पर रख के देखते हैं कौन सा 1.0 रख रहे हैं, तो x की जगह 1 इज ग्रेटर देन, इक्वल को छोड़ दिया करो उस केस में, और y की जगह 0, तो 1 बड़ा है 0 से, सही बात आ गई, एकदम करेक्ट बात आई है, इसका मतलब ये पॉइंट सही आंसर दे रहा है, तब दे रहा है ना जब इसके तरफ वाला ही आंसर होगा, तभी तो सही आंसर दे रहा है ना, तो इसकी तरफ वाला ही आंसर है, इसका मतलब फाइनल आंसर अगर आप लिखोगे तो ये लिखोगे कि ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है इस तरफ वाला, बस ऐसे करना है क्वेश्चंस को, और कुछ नहीं करना, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो यही सबसे भारी क्वेश्चन था जिसमें बच्चे फंसते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चे फंसते हैं, बहुत बार फंसते हैं, तो आप लोग ना फंसें, और उसके लिए मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक तो और बनता ही है, ऐसी बात क्या है, एक तो और बनता है, तो एक क्वेश्चन तो और प्रैक्टिस करेंगे अपन, है ना,
चलिए सो एक क्वेश्चन और, ये एक सुपर चैट आई है किसी की तरफ से यार, दिव्यांशु जायसवाल की तरफ से सुपर चैट आई है, क्या बात है, 20 रुपीज, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्यांशु। चलो आगे बढ़ते हैं, दिव्यांशु जायसवाल आपका नाम तो मैंने डेली नहीं देखता हूँ यार, आपका नाम क्या चक्कर है, रेगुलर आया करो आप। हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा एग्जांपल और करेंगे बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां पर हमने एग्जांपल लिया था x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x कर लेते हैं, और ये एक और कर लेंगे ना तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस में फंसोगे नहीं। 6.2 प्रश्नावली खुद से करनी है, उसके बाद होमवर्क में मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना कल आप, और वो भी नहीं बता पाओगे अगर ये अच्छे से कर लिया है तो, पूरा का पूरा आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। चलिए करते हैं शुरू, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, तो y बराबर 2x, इसको जरा चेक कर लेते हैं, x बराबर 0 यहां पर रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 2 गुणा 0, ये हो गया 0 के बराबर, और अगर y इज इक्वल टू 0 यहां पर रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x, मतलब x की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0/2 0 ही होता है, 0 को 2 से भाग दो या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही आएगा। तो यहां पर वापस से मतलब ऊपर तो पॉइंट क्या बना, 0.0 पॉइंट बन गया, नीचे भी पॉइंट क्या बना, 0.0, तो इसलिए ये पॉइंट अपने काम का नहीं है, वापस से सेम पॉइंट नहीं आना चाहिए, कुछ और रख दो, जैसे x का मान 1 रख दो 0 की जगह, इस बार x की जगह 1 रखोगे तो y का मान आएगा 2 गुणा 1, जिसका मतलब है 2, पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना 1.2 पॉइंट बना, ठीक है, रखना जरा। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है हमारे पास में, और 2 तक जाना है, मैक्सिमम 2 तक जाना है अपने को, 2 तक जाना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0., ये 0 है, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, -2, -3, -1, -2 and -3, बना दो जरा, 0.0 सबको पता है दुनिया में, इससे तो इस ये तो किसी से छिपा ही नहीं है, 0.0 तो सबसे ज़्यादा काम में लिया है आज अपन ने, तो इसको तो भूल ही नहीं सकते तुम लोग, चाके भी नहीं भूल पाओगे, सारे क्वेश्चंस में काम भी आएगा। 1.2 का मतलब है x पे एक दूरी चले, y पर दो दूरी चले, यहाँ तक पहुँचेंगे, x पे एक दूरी, y पर दो दूरी, 1.2, तो ये पॉइंट है 1.2, और इसको दोनों को मिला देते हैं तो ये इस तरह की लाइन आती है। यार एक तो ये सीधी लाइन बनाना बड़ा मुश्किल काम है इतने बड़े बोर्ड पे, ये बन गई, ठीक है, तो ये हमारे पास है 0.0 पॉइंट और ये आया है 1.2 पॉइंट। चेक करते हैं कौन सी साइड का आंसर आएगा, वापस से 0.0 आप नहीं रख सकते क्योंकि इस लाइन पर स्थित बिंदु रख करके चेक नहीं करना है, लाइन पर जितने भी बिंदु है वो नहीं रखने, उसके अलावा हजारों बिंदु है कोई भी रखो क्या दिक्कत है, मैं ये वाला रख देता हूँ, पास का बिंदु मुझे बड़ा पसंद है, ये रख दो ये रख दो ये रख दो, इजीली दिख रहे हैं वो बिंदु रख दो ना, 1.0 रख दो, क्या टेंशन है, 1.0 अगर वहां पर रखते हो आप तो देखो क्या बनेगा, यहां पर रख रहा हूं मैं 1.0, 1.0 अगर रखते हैं तो y की जगह 0, 0 इज ग्रेटर देन 2 × 1, मतलब 0 बड़ा है 2 से, सही बात है या गलत बात है, गलत बात है यार, 0 तो बड़ा नहीं होता 2 से, गलत बात है, इसका मतलब आंसर इस तरफ का तो नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट तो गलत साबित हो गया, तो इस तरफ का आंसर तो क्यों ही आएगा, है ना, ये पॉइंट ही गलत साबित हो गया तो इस तरफ का आंसर तो नहीं आएगा, तो फिर आंसर किस तरफ का आएगा, ऊपर की तरफ, ये सारा आंसर है, ये ऊपर के साइड वाला सारा का सारा आंसर आ जाएगा आपका। और इस लाइन की इक्वेशन जरूर लिख दिया करो, मैं बहुत बार नहीं लिखा हूं पीछे लेकिन सब जगह लिखना है आपको, तो y इज इक्वल टू 2x रही नहीं, ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ असमीकाओं के किस तरह से बनाए जा सकते हैं, कितने तरह के ग्राफ संभव हैं, तीन ही तरह के मैंने आपको मेनली बताए हैं, एक तो ये जो 0-0 से ही जा रही है लाइन, दूसरे ये जो नॉर्मल इस तरह के हैं टेढ़ी मेढ़ी कहीं पे लाइन जा रही है 0-0 रख करके हम लोग चेक कर लेते हैं,
उससे पहले जो मैंने बताए थे वो ये थे जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक्स है या फिर वाई है। ये तीन फॉर्मेट्स मैंने आज आप लोगों को बताए हैं और यही तीन फॉर्मेट्स हैं बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। बाकी तो तुम जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, उसके बाद तो मेन तो ये तीन ही है, बाकी कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसमें। अब आप सारे के आपके लिए होमवर्क मैं लिख रहा हूँ आज, होमवर्क मैं बहुत कम देता हूँ आप लोगों को, लेकिन आज मैं होमवर्क आप लोगों को दूंगा जरूर से, क्योंकि अब मेरे करवाने लायक बचा नहीं है। सारे उदाहरण प्लस सारे प्रश्न किस प्रश्नावली के करने हैं आपको, ये करने हैं प्रश्नावली 6.2 के। और कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो जरूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना है। जब तक खुद नहीं हाथ पैर मारोगे ना, तब तक नहीं आएगी गणित, ये मान के चलो आप। गणित के लिए खुद हाथ पैर मारना पड़ेगा, केवल मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लोगे केवल, उससे काम नहीं चलेगा। पहली बात तो उसको लिखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो घर पर, तब जा करके आपको एक्चुअल में मैथमेटिक्स समझ में आएगी पूरी तरीके से, अदरवाइज फंस जाओगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही अपन रखते हैं। आदित्य जायसवाल ने कहा कि सर आज मेरा मैथ का सेकंड मंथली टेस्ट था जिसमें चैप्टर वन आया और चैप्टर थ्री आया था। चैप्टर वन के सारे क्वेश्चन सही थे लेकिन चैप्टर थ्री के नहीं, 5 में 3 गलत हैं। सर एक क्वेश्चन था कि 10 ग्रेड को डिग्री में बदलना, तो बेटा ये तो सारे क्वेश्चन इतने आसान हैं यार, 10 को डिग्री में बदलना है, 10 रेडियन को, दिक्कत कहाँ थी इसमें। हाँ 1.1, लेकिन कोशिश ये किया करो समृद्धि कि ऐसे पॉइंट रखो जिनकी पूरी जानकारी है आपको। 1.1 का अपने को पूरी जानकारी नहीं है कि वो यहाँ पर आएगा कि कहाँ पर आएगा, अच्छे से जानकारी नहीं है। ग्राफ पेपर में तो जानकारी रहेगी आपको, तो आप अपनी मर्जी से बस ये ध्यान रखो कि इस रेखा पर स्थित बिंदु नहीं रखना, बाकी कोई भी रख दो, यहाँ का रख दो, कोई बिंदु रख सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई भी बिंदु रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस उस लाइन पर नहीं होना चाहिए वो बिंदु, बाकी कोई भी रखो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं बाकी लोग, बाकी सदस्य, काफ़ी मैसेज आ गए, अब इतने तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, बहुत ज़्यादा हो गए यार तो। लेटेस्ट ही देख लेता हूँ मैं सीधा। सचिन हो गई मौज, बढ़िया। भगलपुर से समीरा, अनूप सिंह क्या कह रहे हैं, सर जी आपके शुभ चरणों को प्रणाम, इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, खुश रहो बेटा, खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज़रूर आपको गणित में मज़ा आएगा निश्चित रूप से। अंकुर सिंह क्या कह रहे हैं, सर आप एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चंस भी कराएंगे क्या? मैं तो करवाता ही हूँ हमेशा, अब तक जितने भी करवाए हैं सारे एग्जाम्पल्स सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन इसमें आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, क्योंकि है कुछ नहीं, जितना था मैंने सारा पढ़ा दिया इसका, आपको कुछ बचा ही नहीं है इसमें यार। 6.3 प्रश्नावली में भी सेम यही क्वेश्चन करवाना है, तो वहाँ करवा दूंगा मैं जहाँ फंसोगे तुम, सेम ही है 6.3 भी। राजपूत गर्ल, आपका नाम नहीं लिखते हो ना आप, जो लोग नाम नहीं लिखते हैं प्रॉपर उनका नाम मैं बहुत कम ही लेता हूँ, गलती से आ गया तो आ गया, वरना नाम नहीं लेता मैं उन लोगों का, इसलिए नाम प्रॉपर लिखो अपना, तब लिखेंगे आपका, ठीक है। मणिकांत सिंह, चलिए। खुशी भाटी, गुड इवनिंग, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह मतलब ये सब PDF वगैरह आपको अपने लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, मैथमेटिक्स का जो वहाँ पर सेगमेंट बना हुआ है, पूरा प्रॉपर कोर्स बना हुआ है, वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग इसकी PDF देख सकते हैं। और डेली की जितने भी अब तक लेक्चर हुए हैं, लगभग 100 के आसपास लेक्चर हो गए होंगे आपके, मुझे लगता है 100 तो नहीं होंगे, शायद 70-80 हो गए होंगे जितने भी हुए हैं, लेकिन उन सब के PDF वहाँ पर अपलोडेड है, चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज करके, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कल मिलते हैं।